हेलो दोस्तों दोस्तों मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं और आज की इस वीडियो में हम प्रोफेशनल एथिक्स सब्जेक्ट शुरू करेंगे जो कि हर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को होता है और साथ में इस सब्जेक्ट की खास बात यह है कि इसका एग्ज़ाम भी होता है और इसका प्रैक्टिकल भी होता है तो हम जो सीखेंगे वो एग्ज़ाम और प्रैक्टिकल दोनों के एस्पेक्ट से सीखेंगे तो आज की वीडियो में हम जनरली एथिक्स का मतलब प्रोफेशनल एथिक्स का मतलब एथिक्स ऑफ एन एडवोकेट इसकी नेसेसिटी और साथ में इन जनरल चीज़ों को आज हम देखेंगे तो आइए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं स्टूडेंट्स सबसे पहले हम एथिक्स के इस टॉपिक की शुरुआत इंट्रोडक्शन के साथ करते हैं अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करूं बच्चों तो हमें पता है कि जो एक एडवोकेसी का प्रोफेशन है इट इज़ अ वेरी नॉबल प्रोफेशन ये बहुत ही नॉबल प्रोफेशन है और साथ में लर्नड प्रोफेशन भी है ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आप पूरी उम्र भर सीखते हैं और सोसाइटी में रिस्पेक्ट के नज़रिए से इस प्रोफेशन को देखा जाता है अगर हम एडवोकेट्स की बात करें तो एडवोकेट्स को बिल्कुल इक्वल माना जाता है एक पर्सन के जो पब्लिक ऑफिस होल्ड करता है एक पर्सन हु होल्ड्स द पब्लिक ऑफिस द एडवोकेट होल्ड द इक्वल पोजिशन एज द पर्सन होल्स द पब्लिक ऑफिस इसका मतलब जैसे पब्लिक ऑफिसर के ऊपर कुछ ड्यूटीज़ हैं पब्लिक ऑफिसर को कुछ बातें हमेशा ध्यान में रखनी पड़ती हैं सोसाइटी के प्रति वैसे ही एक एडवोकेट की भी कुछ ड्यूटीज़ हैं बच्चों ये सारी बातें आप इंट्रोडक्शन में लिखोगे आप आगे लिखोगे कि जब एक पर्सन एक लॉ की डिग्री हासिल कर लेता है वो लॉयर बन जाता है उसको लॉ का नॉलेज जा आ जाता है उसके बाद वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया बार काउंसिल ऑफ स्टेट में रजिस्टर्ड हो जाता है वो एडवोकेट बन जाता है लेकिन एडवोकेट बनना इज़ नॉट इनफ एक एडवोकेट बनना इज नॉट इनफ एडवोकेट बनना और एक अच्छे एडवोकेट में बहुत फ़र्क होता है तो हमें एक अच्छा एडवोकेट बनना है हमें हमारे कुछ एथिक्स हैं एडवोकेसी के उन्हें फॉलो करना चाहिए और उन राइट्स ड्यूटीज को फॉलो करना चाहिए तभी हम अच्छे एडवोकेट बन सकते हैं तो दिस इज बेसिकली अ जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ दिस लीगल प्रोफेशन के एथिक्स की अब हम पढ़ेंगे वर्ड इज द मीनिंग ऑफ एथिक्स तो स्टूडेंट सबसे पहले अगर मैं एथिक्स की मीनिंग की बात करूँ तो जो टर्म एथिक्स है ये ग्रीक भाषा का एक वर्ड है एथोस उसी से यह बना है एथोस से एथोस का मतलब होता है कस्टम या फिर हैबिचुअल मोड ऑफ कंडक्ट है मोड ऑफ कंडक्ट द टर्म एथिक्स इज डिराइव्ड कंडक्ट द टर्म एथिक्स इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एथोस विच मीन्स कस्टम और हेबिचुअल मोड ऑफ कंडक्ट अर्थात एथिक्स का सिंपल सा मतलब है हाउ वन बिहेव हाउ वन बिहेव एक पर्सन बिहेव कैसे करता है हाउ वन कंडक्ट एक पर्सन कंडक्ट कैसे करता है हाउ वन शुड एक्ट बिफोर अदर दिस इज बेसिकली बेसिकली ब्रांच ऑफ फिलोसफी इट इज ब्रांच ऑफ फिलोसफी ये फिलोसफी की ब्रांच है बच्चों बेसिकली इट इज ए ब्रांच ऑफ मॉरल साइंस ये मॉरल साइंस की ब्रांच है आप ये सारी बातें लिखोगे एथिक्स दर्म एथिक्स ग्रीक वर्डो से लिया गया है बारे में पूछते हैं वट डू मीन बाई एथिक्स इज ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एथोस बाई थोस कंडक्टर एथिक्स इज अ मोरल साइंस व्हिच टेल्स अस अबाउट द कंडक्ट ऑफ अ पर्सन हाउ पर्सन शुड बिहेव बिफोर द अदर्स दिस इज एथिक्स अब अगला जो इसमें क्वेश्चन आता है बच्चों वो आता है कि व्हाट इज द एथिक्स ऑफ एन व्हाट इज अ प्रोफेशनल एथिक्स अगर जो जनरल टर्म जो समझने को हमें हमें पता होनी चाहिए वो है वट इज प्रोफेशनल भैया एथिक्स को पता चल गया हमें क्या है प्रोफेशनल्स क्या है प्रोफेशनल एथिक्स प्रोफेशनल थ है तो बच्चों देखो वी नो दैट देर नंबर ऑफ द प्रोफेशन इन द वर्ल्ड लाइक द टीचिंग प्रोफेशन एडवोकेसी प्रोफेशन मेडिकल प्रोफेशन इंजीनियरिंग प्रोफेशन बहुत सारे प्रोफेशन हैं और जितने भी प्रोफेशन हैं उन सभी के अपने कुछ एथिक्स होते हैं जो उनको फॉलो करने पड़ते हैं प्रोफेशनल्स को अपने प्रोफेशन के अनुसार तो इन्ही एथिक्स को क्या बोला जाता है प्रोफेशनल एथिक्स बोला जाता है इट मीन्स प्रोफेशनल एथिक्स मीन्स एथिक्स रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर प्रोफेशन एथिक्स रिगार्डिंग अ पर्टिकुलर प्रोफेशन एथिक्स विच टेल्स अस अबाउट द हाउ प्रोफेशनल शुड बिहेव रिगार्डिंग द पर्टिकुलर प्रोफेशन अगर वो बंदा एक प्रोफेशन में है तो उसको कैसा बिहेव करना चाहिए टुवर्ड पब्लिक टूवर्ड वन सेल्फ टूवर्ड अदर टू वर्ड जज टूवर्ड कोर्ट टूवर्ड क्लाइंट तो वट इज प्रोफेशनल थिंग्स बेसिकली प्रोफेशनल थिंस मीन्स एथिक्स ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोफेशन देयर कैन बी नंबर ऑफ प्रोफेशन आप ये सारी बातें लिखोगे अगला ही टॉपिक आता है वो आता है वट इज द प्रोफेश वट आर द एथिक्स ऑफ एन एडवोकेट व्हाट डू मीन बाय द प्रोफेशनल एडवोकेट ऐसा आता है क्वेश्चन प्रोफेशनल एथिक्स ऑफ एडवोकेसी इसका मतलब क्या है तो बच्चों को मैं प्रोफेशनल ऑफ एडवोकेसी की बात करूं तो आप लिखोगे वी नो दैट एडवोकेट एडवोकेसी एक बड़ा नोबल प्रोफेशन है हमारे पास बहुत सारे प्रोफेशन है जिसमें एडवोकेसी भी एक प्रोफेशन है तो एडवोकेसी एक ऐसा प्रोफेशन है जो नोबल भी है लर्न भी है इसके कुछ अपने एथिक्स हैं अपने कुछ सेट ऑफ़ रूल्स हैं जो एडवोकेट्स को फॉलो करने पड़ते हैं जब वो कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा है तब भी जब कोर्ट से बाहर किसी से डील कर रहा है तब भी क्लाइंट के, सा, के सामने उसके कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं उसका कोड ऑफ कंडक्ट होता है उसका कुछ बिहेवियर उस होता है जो एक्सपेक्ट किया किया जाता है सोसाइटी में दिस इज़ कॉल्ड द प्रोफेशनल एथिक्स ऑफ द एडवोकेट प्रोफेशनल थिंग्स ऑफ एडवोकेट मीनस दोज एथिक्स दैट अ पर्सन बींग एन एडवोकेट मस्ट फॉलो मस्ट बी फॉलोड बाई द पर्सन हु इज एन एडवोकेट दैट एथिक्स कैन बी टू द सोसाइटी टू द वन सेल्फ टूवर क्लाइंट टूअर ओपर काउंसिल टूवर स्टेट एक्सेट्रा तो बच्चों तो चो ये होगा आपको समझ आ गया होगा कि एथिक्स क्या होता है एथिक्स ऑफ प्रोफेशन क्या होते हैं और एथिक्स ऑफ एडवोकेसी क्या होते हैं तो आइए दोस्तों अब आगे देख लेते हैं एक और कंसेप्ट इसमें तो स्टूडेंट्स अब मैं अगर बात करूं कि ऑब्जेक्ट क्या है लीगल एथिक्स का जो ये एथिक्स एडवोकेट्स के हैं जो लीगल एथिक्स एडवोकेट के हैं क्यों ये एथिक्स बनाए गए हैं वाई दीज एथिक्स आर देयर तो बच्चों इसका ऑब्जेक्ट सबसे पहला है टू मेंटेन द डिग्निटी ऑफ लीगल प्रोफेशन हमारा जो लीगल प्रोफेशन profession है प्रोफेशन ऑफ लॉ है उसकी डिग्निटी मेंटेन करनी है उसका स्टैंडर्ड मेंटेन करना है इसलिए हमें इन एथिक्स की बहुत जरूरत है अगर थिक्स नहीं होंगे तो आपको पता सभी इंसान एक जैसे नहीं होते हैं कुछ लोग तो समझदार होंगे वो ऐसा कोई बिहेव नहीं करेंगे कि किसी को नुकसान हो प्रोफेशन हमारा नीचे आए उसका लेवल लो हो लेकिन कुछ लोग कर देंगे उनको फर्क नहीं पड़ेगा तो हमारा जो मेन मोटो है वो ये भी है कि हमने अपने लीगल प्रोफेशन की डिग्निटी को मेंटेन करना है इसलिए प्रोफेशनल थिक्स बनाए जाते हैं दूसरा है अप द बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लीगल प्रोफेशन जो लीगल प्रोफेशन है उसे बेसिक स्टैंडर्ड है उसको मैंटेन करना अप करना उसका आगे ध्यान रखना जो हमारे लॉ का एक बेसिक स्टैंडर्ड है उससे नीचे नहीं हमारा स्टैंडर्ड जाना चाहिए लीगल प्रोफेशन का ये भी एथिक्स का एथिक्स मतलब जो एथिकल कोड बनाया गया एथिक्स के एडवोकेट्स के लिए राइट्स ड्यूटीज उनको दी गई हैं उनके पीछे ये कारण है मतलब ये ऑब्जेक्ट है प्रोफेशनल एथिक्स का रेगुलर द बिहेवियर किसका ऑफ एडवोकेट जो एडवोकेट है उनका बिहेवियर रेगुलेट करना इसलिए भी एथिक्स 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 की हमें प्रोफेशनल एथिक्स की जरूरत पड़ती है एडवोकेट का बिहेवियर किसके प्रति रेगुलेट करना टूवर्ड काउंसिल टूअर्ड ओपोनेंट क्लाइंट टूवर्ड क्लाइंट टूवर्ड जज टूवर्ड कोर्ट तो एक एडवोकेट के बिहेवियर को रेगुलेट करने के लिए भी प्रोफेशनल एथिक्स की जरूरत पड़ती है आगे टू डेवलप द फीलिंग ऑफ यूनिटी इंटीग्रिटी अमंग द लीगल फर्टर्निटी जो हमारा ये लीगल फर्टनिटी है जो हमारा ये लो का प्रोफेशन है जो एडवोकेट्स हैं उनके बीच यूनिटी इंटीग्रिटी और एक रिस्पेक्ट की भावना डेवलप करने के लिए भी कोड ऑफ एथिक्स बहुत जरूरी है आगे है बार बेंच रिलेशंस तो बार और बेंच के बीच एक अच्छा रिलेशन बनाना मधुर रिलेशन बनाना के लिए जरूरी है कि कुछ एथिक्स बनाए जाएँ बार मतलब एडवोकेट्स बच्चों बेंच मतलब जजेस बार मतलब एडवोकेट्स की बॉडी बेंच मतलब जजेस तो की बॉडी तो एडवोकेट्स की बॉडी जो है उनके लिए भी रूल्स होने चाहिए और जो बेंच है जो जजे हैं उनके लिए भी कुछ रूल्स होने चाहिए जब इनके लिए एथिक्स होंगे इनके रूल्स होंगे तो ऑब्वियस ऑबे बात है दोनों बीच मधुर रिलेशनशिप बनेगा मैं दोस्तों आपको बता दूं कि आप वो किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए लेक्चर चाहिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं नाइन एट वन सिक्स फोर नाइन डबल टू सेवन सिक्स और साथ में अगर आप हमें कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं हमारे फ्री लेक्चर्स के लिए आप हमें इन नंबर पे कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं बच्चों आपको बता दूँ कि हमारी अपनी एप्लीकेशन लो विद ट्विंस ये डेवलप हो गई है आप प्ले स्टोर से जाके इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं इसमें भी आपको काफ़ी कुछ हमारे सर्विसेज का फ़ायदा लेने का मौका मिलेगा तो इसी के साथ आज के लेक्चर खत्म करते हैं होप आपको समझ आया होगा प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू वेरी मच कीप स्पोर्टिंग अस